जो माई टोन माई प्राइड का ये जो अभी त्यौहार जो चल रहा है, हम इसको त्यौहार के रूप में देखते हैं। तो बैक टू विलेज में हुआ था कार्यक्रम, हुए थे। बैक टू विलेज 1 हुआ था, बैक टू विलेज 2 हुआ था, बैक टू विलेज 3 हुआ था, और उसके बाद बैक टू विलेज इस बार 4 हुआ था। उसी के तर्ज पर हमारी जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी और कौंसिल थी और इवन की जो कॉरपोरेशन के थे हमारे, हमने भी गवर्नर साहब से एक डिमांड रखी थी कि जिस प्रकार आप पंचायतों के अंदर ये बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 कर रहे हो, उसी प्रकार शहरों के अंदर भी इस प्रकार की गतिविधियां करवाई जाएँ ताकि शहर के अंदर भी विकास हो पाए। शहर मेरा घर के तहत एक कार्यक्रम रखा था, तकरीबन कोई 4 दिन का वो कार्यक्रम था। उसमें विजिटर अफसर वहाँ पर रहते थे और उसमें म्यूनसिपल कमेटी और कौंसलों के अंदर जितने भी जो काम है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो उनके समक्ष हम उठाते हैं। और जिस प्रकार से पिछले बार भी हमने उनके समक्ष जो बिजली अफसर आए थे, तो उनके समक्ष हमने काफ़ी सारे जो मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें वो स्कीमें मिली थी, उसका फ़ायदा भी हमें हुआ था। चाहे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ड्यूटी ने इस बार फिर पुनः इस स्कीम को ये शहरों के अंदर लाया है, माई टोन माई प्राइड सेकेंड, दूसरा फेज़ है। तो इससे पहले माई टोन माई प्राइड का जो सेकंड फेज़ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर ड्यूटी ने हमें 1 करोड़ के रुपया भी दिया है। हमारे डेवलपमेंट के जो इशू है उसके ऊपर 1 करोड़ के फंड हमें उपलब्ध करवाया है। उसी के तहत ये जो इस साल का जो कार्यक्रम है, ये 28 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चलने वाला है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जो अलग अलग विभाग के जो अधिकारी जहाँ पे आए हैं, उनके जरिए इनके मसले हैं, जो इनके पास सुविधा है, जो इनके पास बेनिफिट जो बेनिफिट को देने वाले हैं, जहाँ जो भी स्कीमें इन डिपार्टमेंट के पास है, वो सारी के सारी स्कीमें यहाँ पर जो लोग हैं, बाड़ों के लोगों को हमने आमंत्रित किया है, शहर के जो बुद्धिजीवी उनको भी आमंत्रित किया है कि जो स्कीमें इन विभागों के पास है, वो स्कीमें जनहित में जाएँ और जन जन उसका भागीदारी बने। उसी को लेकर कल से ये हमारा शुरू हुआ था और 5 और 6 दिसंबर को बाहर से जो डिजिटल ऑफिसर आएगा, उसमें स्पेशली हमारे म्यूनसिपल कौंसिल जो अपने कॉर्पोरेटर या कौंसिल है उनके साथ।